Today, the members of the National Assembly will elect their speaker. There is only one valid nominated member, Raja Parvez Ashraf Saab. There is only one valid nominated member, Raja Parvez Ashraf Saab, for the election of the speaker. Proposed through two separate nomination papers, one by Sayyid Khurshid Ahmed Shah, MNA, and the other by Sayyid Naveed Kamar, MNA. Therefore, I declare Raja Parvez Ashraf, MNA, to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. Therefore, I declare Raja Parvez Ashraf, MNA, to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan under Article 53 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, read with sub-rule 5 of Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 27. अब मैं मोहतरम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके हल्फ उठाएं। यहाँ पे उठवाना। कौमी असम्बली का अजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर कौमी असम्बली के अहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कागजात नामजदगी जमा कराई थी और वो बिला मुकाबला इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं और उन्हें स्पीकर का गाउन भी पहनाया जा चुका है। अब वो हलफ उठाएंगे अपने अहदे का। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं राजा परवेज़ अशरफ सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ईमानदारी सालमियत इस्तेकाम बहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम-ए-पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान
कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ्फुज और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। परवेज़ अशरफ बिला मुकाबला कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए, उन्होंने हलफ उठा लिया है। यूं वो असद कैसर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली बने हैं, उनसे हलफ लिया पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने और इस मौके पर अब सदारत करेंगे राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कौमी असम्बली के अजलास इस वक्त जारी है और आपको बताएं कि राजा परवेज़ अशरफ अपनी नशस्त पर बराजमान हो गए हैं, 22वें स्पीकर वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और दूसरी जाने मनाजर आप देख रहे हैं पंजाब असम्बली के, जहां पर इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा दिखाई दे रही है। मैं रब्बे जुल जलाल के सामने इंतहाई इनकसारी और आजी के साथ सर को झुकाता हूं, जिसने अपने एक अदना बंदे को ऐसे बावकार मनसब पर बिठाया। मैं अपने कायद सियासत पाकिस्तान के मर्द हुर जनाब आसिफ अली जरदारी और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, खामोश। और कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत जमहूरियत के हज़ारों शहीदों के वारिस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का ममनून, जिन्होंने खित्ताए पोठवार के एक सियासी कारकुन को इस कुर्सी का अहल जानते हुए मुझे नामजद किया। मैं कायदे ईवान वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पार्लिमानी जोमा जनाब असद महमूद साहब, जनाब मकबूल सदीकी साहब, जनाब खालिद मक्सी साहब, जनाब अख्तर जान मैंगल साहब, जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, जनाब गौस बख्श महर साहब, जनाब नवाबजादा शाहजैन भुगटी साहब, जनाब अमीर हैदर होती साहब, जनाब असलम भोतानी साहब, जनाब अली नवाज शाह साहब और जनाब मोहसन दावड़ समेत इस मस्जिद ऐवान के एक एक रुकन का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप सब ने जमहूरियत हक अजहार राय और इस मुअज्ज़ज़ ऐवान की सरबुलंदी की जदोजहद में शामिल अपने एक देरीना साथी को अहले पाकिस्तान की उमंगों की तर्जमान 15वीं कौमी असम्बली के 22वें स्पीकर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब किया। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के डायमंड जुबली साल में ये इंतखाब इस लिहाज से भी
तारीख साज और यादगार है कि यह हमारी मुल्की तारीख का पहला वाक़या है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को इस मोहतरम मनसब का अहल जाना है। सो आज हमने अपनी पार्लिमानी तारीख में एक नई रस्म का आगाज़ किया है जहाँ महज इक्तदार का जाहो जलाल ही हमारा मतमा नज़र नहीं बल्कि इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की तौकीर और ताज़ीम भी हमारे पेशे नज़र है। बतौर स्पीकर मैं समझता हूँ कि यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मेरे पेशे नज़र बरतानवी तारीख के नामवर मुदब्बर और दारुल अवाम के मशहूर स्पीकर विलियम लैंथल के वो तारीखी अल्फाज भी हैं जब 1642 में ताकत के नशे में चूर एक जाबर बादशाह चार्ल्स अव्वल के सामने स्पीकर लैंथल अपने 5 मेंबरान के तहफ़ के लिए सीना सपर हो गया और बादशाह को 2 टोक अल्फाज में बताया कि इस ईवान में ना तो मेरी अपनी कोई आंख है जो देख सके, ना ही अपनी कोई जबान है जो बोल सके, मास्वाय इसके जो ये ईवान मुझे दिखाता है और मुझसे बुलवाता है, इस ईवान में मैं फ़क्त इस ईवान का खादम और वफादार हूँ। यह है स्पीकर का वो जो किरदार जो 450 साल के बाद भी तारीख का हिस्सा है। स्पीकर के ओहदे से तवक्को की जाने वाली तमाम तर गैर जानबदारी इस अहम मनसब से वाबस्ता बुर्दबारी और ईवान और उसके मेंबरान के तहफ्फुज के लिए स्पीकर के तौर पर कस्टोडियन ऑफ द हाउस की तमाम रवायत सिर्फ और सिर्फ इस एक वाक्य से बरामद होती है। यही वजह है कि ना हमारे आयन ना ही हमारी कौमी असम्बली के क्वादो ज़वाबत में कहीं भी कस्टोडियन का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन ये किरदार स्पीकर के मनसब का लाजमी जुज़ है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि जिस कुर्सी के लिए आज इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुअज़्ज़ज़ ईवान ने मेरा बिला मुकाबला इंतखाब किया है उसी मनसब पर सबसे पहले क़याम पाकिस्तान से भी 3 रोज़ कबल 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली ने बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना को बिला मुकाबला अपना पहला सरबरा मुंतखब किया। और इसी मसनद पर ये ईवान शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मुंतखब कर चुका है। अपने इंतखाब के मौके पर किया गया कायदे आज़म का ख़िताब जहां मुमलकत पाकिस्तान का पहला सरकारी और कौमी आइनी बयानिया है वहां रियासती ढांचे में मुकन्ना के मरकज़ी किरदार पर भी मोहर तस्दीक सब्त करता है। इस ख़िताब में बानिय पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में फरमा दिया था कि याद रखिए आप खुद मुख्तार कानून साज अदारा हैं और आपको ही तमाम इख्तियारात हासिल हैं। सो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि बतौर स्पीकर मेरी पहली जिम्मेदारी इस ईवान की खुद मुख्तारी इसको हासिल इख्तियारात का तहफ्फुज़ होगा। मेरी नाकिस राय में ऐसे तभी हो सकता है जब ममलकत और अवाम को दरपेश तमाम अहम मसाइल का फैसला इस ईवान में हो, बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं। जब आईने पाकिस्तान की दफ़ा 91 की ज़ैली शिक 6 की हकीकी रूह को सामने रखते हुए तमाम वफाकी काबीना सिर्फ़ और सिर्फ इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को जवाब दे, किसी फ़र्द वाहिद को नहीं। जब हुकूमत वक्त अवाम के इन मुंतखब नुमाइंदों की राय को मुकदम जाने और अपनी पॉलिसियाँ पूरी दयानतदारी से इस हाउस में और इससे मुंसलिक कमेटियों को सामने रखे, इस पर मुसल्लत न करें। जब ईवान को ताकत का सरचश्मा समझा जाए, रबर स्टैंप नहीं। हमें याद रखना होगा अहले पाकिस्तान ने मुमलकत के मसाइल का हल तलाश करने के लिए इस ईवान को मुंतखब किया है। सो मसाइल का हल बाहमी मुशावरत और मुकालमे में है, नफ़रत अदम बर्दाश्त
और नारे की सियासत में नहीं बहसियत सियासी कारकुन। मेरी तरबियत एक ऐसी जमात में हुई है जिसके कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 10 अप्रैल 1973 को पहले मुतफिका आइन की मंजूरी पर फरमाया था कि हमें एक ऐसा सियासी मुआशरा कायम करने की ज़रूरत है जहां मकालमे को फ़रोग दिया जाए मुनाफरत को नहीं, जहां मुख्तलिफ ख्यालात में समझौता हो महाजाराई नहीं, जहां कौमी इतफाक राय को फ़रोग दिया जाए नफाक को नहीं। और ये तो तभी हो सकता है जब हकूमत अदबी अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की बुनियाद पर की जाए। गुज़िश्ता 3.5 बरसों में हम ये तवातर से कहते आए हैं कि ये ईवान नामुकम्मल है अगर इसमें अपोजिशन की आवाज़ शामिल नहीं। आज बतौर स्पीकर मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि इस ईवान में अपोजिशन की आवाज़ किसी भी हीले आजमाई से दबाई न जाए बल्कि उसे सुना जाए और उसका एहतराम किया जाए। हमें मसाइल को इस ईवान में लाना है और इस ईवान से बाहर ले जाकर अवाम को तकसीम नहीं करना। सो अंग्रेज़ी का ये मशहूर मकूला है, द मेजॉरिटी मे हैव इट्स वे बट द अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। हमेशा पेशे नज़र हमें रखना होगा। रियासत के अदारों के दरमियान अदब और बाहमी मुशावरत आईने पाकिस्तान की रूह है। तमाम इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करनी चाहिए। इस हवाले से पार्लियामान की तमाम पार्लियामानी और कायमा कमेटियों को फ़ाल और मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि यही इस ईवान की हकीकी ताकत है। फी ज़माना पार्लियामानी सफारतकारी ममालिक के दरमियान मसाइल के हल का बेहतरीन ज़रिया है। मैं समझता हूँ कि इस ईवान में मौजूद ऐसे कई जीरक और मुदब्बर शख्सियात मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान और उसके जमहूरी इदारों का वक़ार बुलंद कर सकते हैं। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और बैनुल पार्लिमानी इदारों में हमारी भरपूर शिरकत से ये हदफ हासिल किया जा सकता है। एक फ़ाल प्रेस के बगैर ईवान मुकम्मल नहीं। सो मैं पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के भरपूर तावन का मुश्ताक हूँ और सीनियर सहाफ़ियों की रहनमाई भी चाहूँगा। यकीन रखिए ये ईवान हक के इजहार राय का निगहबान और मुहाफिज है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक फ़ाल और मुतहर्रक सिविल सोसाइटी को हकीकी जमहूरियत की असास करार दिया। सो बतौर स्पीकर मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से बार कौंसलों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, मजदूर तंजीमों और तुलबा यूनियन से इस पार्लिमान के रवाबत बहाल रखे जाएं। ख्वातीन की मुअस्सर शमूलियत इस असेंबली की कामयाबी का राज है। मैं तवक्को करता हूँ कि ख्वातीन अरकान पूरी तनदही से ईवान की कार्रवाई में हिस्सा लेंगी और ख्वातीन अरकान की पार्लिमानी काकस के ज़रिए पाकिस्तान की औरत के हकूक़ का दफा करेंगे। अकलियत अरकान और नौजवान अरकान असेंबली को मैं अपनी हकीकी ताकत समझता हूँ क्योंकि इन मज़्ज़द अरकान से मैं तवक्को रखता हूँ कि अवाम के पिसे हुए तबकात के मसाइल को वो बिला खौफ व ख़तर इस ईवान के सामने रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ अरकान पाकिस्तान वक्त के एक अहम दोहराए पर खड़ा है। इसे फैसला करना है कि इसे नाउमीदी के अंधेरों से निकलकर एक हकीकी रोशन ख्याल सबको साथ लेकर चलने वाले और तरक्की पसंद पाकिस्तान को मुंतखब करना है या बोतान तराशी और मुनाफरत की नज़र होकर तकसीम दर तकसीम हो जाना है। और ये फैसला बतौर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आप सबको करना है। मुझे अपनी मुतहद कौमी क़यादत की सलाहियतों पर कामल यकीन है। सो मेरा ईमान है अमानत नूर जिनके सीनों में ज़िंदा है वो सिर्फ वो हरफ़ यकीन लिखेंगे। अमानत नूर जिनके सीनों में ज़िंदा है वो हरफ़ यकीन लिखेंगे। हमारी तकदीर और कोई नहीं लिखेगा
हम लिखेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।